पांच मेजर एस्पेक्ट पे आज हम बात करेंगे इन दोनों ही गाड़ियों के बारे में। तो ये है न्यूली लॉन्च बजाज की तरफ से आने वाली CNG यानी कि फ्रीडम, और एक है राइडर जो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, सबसे ज़्यादा सेलिंग होती है 125 cc में राइडर और एक्सट्रीम की। तो दोनों का कंपेरिजन वीडियो है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से ही बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों की। तो सबसे पहले तो यार देखो, जब आप CNG वाली मोटरसाइकिल की सीट देखेंगे तो देखो ये जो सीट है ये काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली, यानी कि एकदम ही लंबी चौड़ी सीट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। साथ में ये जो CNG वाली मोटरसाइकिल है इसकी जो सीट हाइट है वो होने वाली 825 mm की, यानी कि अगर आपकी हाइट 5.2 है तो आप इसको नहीं चला पाएंगे, अगर आपकी हाइट 5.5 से ऊपर है तभी आप इसे इजीली ड्राइव कर पाएंगे। वहीं जब राइडर की बात होती है तो देखो राइडर में आपको मिलती है स्प्लिट सीट, यानी कि फ्रंट और रियर की जो सीट है वो स्प्लिट में होने वाली है। राइडर की हम सीट हाइट की बात कर लें तो 780 mm की, यानी कि अगर आपकी हाइट 5.2 या 5.3 है तब भी आप इसे आराम से चला सकते हैं, इजी टू ड्राइव कर सकते हैं। तो इसमें एक पॉइंट मिलता है प्लस राइडर को। अब दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं तो आती है फ्यूल टैंक की बात। तो यहाँ पर जब आप राइडर का फ्यूल टैंक देखेंगे तो यहाँ पर देखो ग्राफिक वाला बड़ा फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलेगा, फुल्ली यूटिलाइज फ्यूल टैंक है, 10 लीटर का फ्यूल टैंक होने वाला है, साथ में 600 किलोमीटर के ऊपर की राइडिंग की रेंज देता है। वहीं अगर हम बात कर लें CNG मोटरसाइकिल की तो CNG मोटरसाइकिल में आपको केवल 2 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। यहाँ पर देखो 2 लीटर का फ्यूल टैंक है, लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आप CNG भी डलवा सकते हैं और साथ में CNG में माइलेज भी इसका और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। CNG में माइलेज की बात कर लें तो CNG में आपको दे देती 150 किलोमीटर चलती है 2 किलो में, यानी कि लगभग 70 का माइलेज हो गया। तो प्लस पॉइंट इसमें यह है कि इसका माइलेज राइडर से ज़्यादा है, राइडर का माइलेज 50 km/h से 45 तक जाता है। तो एक प्लस पॉइंट हो गया हमारी CNG वाली बाइक को। अब आइए एक और एस्पेक्ट पर बात करते हैं, यानी कि इसके मीटर पर। तो जब आप मीटर देखेंगे तो देखो जब आप CNG वाली बाइक का मीटर देखेंगे तो CNG वाली बाइक में भी आपको मोबाइल कनेक्टिविटी के फीचर देखने के लिए मिल जाएंगे, राइडिंग के मोड्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ से देखो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी आपकी डायरेक्ट ही, और साथ में यहाँ पर कॉल SMS अलर्ट वाला फंक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। और ये वाला जो बटन है यहाँ पर देखो, ये वाला जो बटन है इसकी मदद से आप CNG और पेट्रोल में स्विच कर सकते हैं। आवाज़ सुन लीजिए एक बार, एक पतला और रिफाइन साउंड इसमें देखने के लिए आपको मिल जाएगा सुनने के लिए। वहीं जब हम राइडर की बात करते हैं तो देखो जब आप राइडर का मीटर देखेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी पन्नी वगैरह चढ़ी है, इसको थोड़ा सा हम निकाल देते हैं। तो राइडर का जो मीटर है वो देखो थोड़ा सा कलरफुल आपको देखने पर मिलेगा, लेकिन यार ये भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। इसमें राइडिंग कनेक्टेड फीचर, टर्न टू टर्न नेविगेशन जैसे फंक्शंस, हेलमेट, ये सारी ही चीज़ें यहाँ पर देखिए, RPM का मीटर हो चाहे ऑडियो की बात हो, ये सारी ही चीज़ इसमें बता देगा। थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव मिलता है देखने के लिए उससे। और साथ में यहाँ पर देखो पास का स्विच है, टर्न ऑन इंडिकेटर, सिंगल हॉर्न, सेल्फ स्टार्ट। देखो दोनों ही बाइक में किल स्विच नहीं मिलता, इसमें ये वाला जो बटन है ये पावर इकोनॉमी मोड वाला बटन है, इकोनॉमी मोड और स्पोर्ट्स मोड में स्विच कर सकते हैं। थोड़ी सी कंफर्टेबल राइडिंग की ज़्यादा होती है राइडर की। और यहाँ पर देखो USB चार्जिंग का सॉकेट है तो दोनों में ही मिलता है। इसमें भी आप चार्जिंग का सॉकेट यहाँ से आप इस तरीके से इसको खोल पाएंगे, यहाँ कुछ इस तरीके से खुल जाएगा ये। और यहाँ पर भी जो चार्जिंग का सॉकेट है, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी चार्जिंग का सॉकेट है, यानी कि चार्जिंग के सॉकेट दोनों में ही देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोनों में ये चीज़ तो सिमिलर है। अब आइए बात करते हैं इंजन की, क्योंकि मेन फैक्टर बनता है इंजन का। जब 125 cc की बाइक की बात होती है तो यार इंजन बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम CNG बाइक की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इंजन है 125 cc का इंजन, जिसमें 9 BHP की पावर, 9.5 Nm का टॉर्क, यहाँ पर किक स्टार्ट देखने के लिए मिलता है, रिफाइन इंजन है, लेग गार्ड देख सकते हैं आपको जिस तरीके से। और जो फ्रंट का डिज़ाइन है वो देखो फ्रीडम की यहाँ पर बैचिंग होने वाली है ब्लैक कलर की। और ये जो ग्राफिक हैं ये काफ़ी ज़्यादा जेबरा ग्राफिक आपको देखने पर मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। वहीं राइडर में देखो प्लेन ग्राफिक हैं, फ्यूल टैंक और राइडर की यहाँ पर बैचिंग है। ये जो इंजन, ये एक TVS का भरोसे वाला इंजन है, जिसमें 125 cc के इंजन में 11 BHP की पावर, 11 Nm का टॉर्क, 5 ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगा, एयर कूल्ड इंजन है दोनों ही गाड़ियों में। यहाँ पर थोड़ा सा एग्जॉस्ट जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, और ये जो एग्जॉस्ट है थोड़ा सा पतला है, आपको OCC वाला फील करवाएगा। ये टायर देख लेते हैं, टायर में कौन बाजी मारता है। तो देखो यहाँ पर है 100, 90 और 17। वहीं हम बात कर लें CNG बाइक की तो यहाँ पर जो टायर है वो होने वाला है साथियों 120, 70 और 16, यानी कि थोड़ा सा छोटा टायर है लेकिन चौड़ा टायर होने वाला है। तो यहाँ पर भी अगर रोड ग्रिपिंग की बात होती है तब यार CNG वाली बाइक थोड़ी सी राइडर से आगे निकल जाती है। आइए सीट में दोनों की स्पेस देख लेते हैं कि सीट में कितना स्पेस होने वाला है। तो जब आप इसको खोलेंगे, देखो यहाँ से CNG वाली जो बाइक है उसको आप इस तरीके से खोल पाएंगे, यहाँ से जो बटन ये है जो चाबी, इससे आप इजीली निकाल पाएंगे इसकी सीट। और यहाँ पर देखो सीट के अंदर मिलता क्या क्या है, कितना स्पेस होने वाला है,
कितना आप सामान रख सकते हैं। देखो यहाँ पर सामान तो खैर नहीं ही रख सकते, लेकिन ये जो टंकी है 16 किलो की टंकी, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी टंकी, जिसमें 2 किलो आप फिल करवा सकते हैं। 16 किलो इसका वजन होने वाला है टंकी का, यानी कि बड़ी टंकी है, स्पेस है पूरा ही जो टंकी ने घेर रखा है। टंकी यहाँ पर फ्यूल टैंक की नहीं, इसीलिए ये वाली टंकी दी है कंपनी ने। और आइए राइडर की देखते हैं। तो राइडर में देखो एक चीज़ प्लस पॉइंट बढ़ जाती है, वो हम आपको सीट खोल के ही दिखाते हैं। तो जब आप राइडर की सीट खोलेंगे तो देखो राइडर में यहाँ पीछे चाबी लगती है, और यहाँ से जब आप इसकी सीट खोलेंगे तो देखो राइडर में पीछे की सीट जब खोलेंगे अच्छा खासा पिलियन की सीट में स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप सामान भी थोड़ा बहुत रख पाएंगे, बरसात में अपना रेनकोट भी रख सकते हैं, क्योंकि स्पेस अच्छा है राइडर की पीछे की सीट। ग्रैब रेल देख लेते हैं। तो देखो राइडर का जो ग्रैब रेल है थोड़ा सा पिलियन के लिए कंफर्टेबल हो जाता है। देखो सिंगल ग्रैब रेल है, कंफर्टेबल लगता है देखने पर, और टेल लाइट भी दिखाई देते हैं इसकी यहाँ तक आए हैं। तो टेल लाइट जब आप देखेंगे तो देखो राइडर की जो टेल लाइट है उसमें प्लस पॉइंट ये है कि आप चाबी चालू करेंगे तभी इसकी टेल लाइट ऑन हो जाएगी राइडर की। और आइए एक बार सीएनजी वाली बाइक की देखते हैं। तो सीएनजी वाली बाइक का जब आप रियर का प्रोफाइल देखेंगे तो देखो सीएनजी वाली बाइक का थोड़ा सा जो ग्रैब रेल है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम्फर्टेबल कम हो, अगर हम राइडर से कंपेयर करते हैं तब। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इसमें चाबी लगाएंगे तो देखो इसमें आपको आएगा 100 cc वाला फीलिंग, क्योंकि जब आप इसमें चाबी लगाएंगे तो ये जो फंक्शंस है, चाहे DRL की बात हो फ्रंट के या फिर रियर के टेल लाइट की बात हो, चाबी चालू करने पर ये ऑन नहीं होंगे। इसके लिए आपको फुल्ली गाड़ी को चालू करना पड़ेगा तभी जो इसकी लाइट्स हैं वो ऑन होंगी। हालांकि एक चीज़ अच्छी है कि दोनों ही गाड़ियों में टेल लाइट जो है वो LED में होने वाली, चाहे राइडर की बात हो या फिर बात हो CNG वाली बाइक की, दोनों ही बाइक में टेल लाइट LED में। आइए सस्पेंशंस की बात कर लेते हैं कि कौन से दिए। तो जब आप राइडर के सस्पेंशन देखेंगे तो देखो राइडर में भी मोनोशॉक सस्पेंशन है आप देख सकते हैं। तो जो आप ऑफ रोड में चलाएं या सिटी में चलाएं ऑल ड्राइविंग मूड में आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकती है। वहीं अगर हम CNG बाइक की बात करते हैं तो CNG में भी देखो सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन होने वाला है, 7-way एडजस्टेबल होने वाला है, और फ्रंट सस्पेंशन और फ्रंट का लुक देख लेते हैं। तो जब आप इसका फ्रंट का लुक देखेंगे तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जो शेप है इतना, ये आपको थोड़ा सा बल्की और हैवी देखने पर लगेगा। DRL भी हैं, LED में लाइट्स भी होने वाली, एक बार चालू करते हैं तभी इसकी जो लाइट्स हैं वो ऑन होंगी। तो जब आप चालू कर लेंगे तो देखो DRL दिखेंगी, LED की जो लाइट्स हैं वो दिखेंगी थोड़ी सी। यहाँ पर क्रोम की डिज़ाइन है, जो फ्रेम है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, फ्रीडम 125 की बैचिंग होने वाली है, टेलीस्कोपिक में सस्पेंशन होने वाले हैं, 240 mm की डिस्प्लेट है। और ये वाला जो टायर है इसका एक बार हम आपको साइज़ दिखाने की कोशिश करते हैं, 90, 80 और 70 इंची का। आइए राइडर का देखते हैं। तो राइडर का भी आप जब ऑन करेंगे तो यहाँ पर देखो 80, 100 और 70 इंची का यहाँ पर आपको टायर होने वाला है, यानी कि थोड़ा सा टायर उसका बड़ा है। साथ में 240 mm यानी कि डिस्क की प्लेट दोनों की ही सेम होने वाली है। ये वाली जो सस्पेंशन है ये आपको 34 mm की मिलेंगे, दोनों में ही टेलीस्कोपिक है, लेकिन इसमें थोड़े से खुले हैं तो देखने पर उतने ज़्यादा बढ़िया नहीं लगते। ये थोड़े से कवर अप हैं, देखो यहाँ से प्लास्टिक के कवर अप हैं, तो देखने पर थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं हैवी फील करवाएंगे। आइए राइडर का लुक देखें। तो देखो राइडर का लुक तो आपने देखा ही होगा कि ये जो राइडर है, एक बार हम आपको पन्नी से दिखाते हैं उतार के। यहाँ पर देखो DRLs हैं, LED में लाइट्स हैं। यार ये राइडर की जो LED DRLs हैं ये देखने पर बहुत ही ज़्यादा लुक को एनहेंस कर देती हैं। राइडर अलग से ही देखने पर आपको समझ में आएगी कि एक यूनिक गाड़ी देखने पर लगेगी। साथ में आइए एक बार हम इस तरफ का दिखा देते हैं आपको। तो देखो ये वाला जो पेडल है, यहाँ पर जब आप देखेंगे गियर शिफ्ट वाला पेडल, तो यहाँ पर सिंगल ही गियर शिफ्ट वाला पेडल देखने के लिए मिलेगा। 5 ट्रांसमिशन है, इंजन का काउल देखने के लिए मिल जाता है। साथ में यहाँ पर जब आप देखेंगे CNG, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं प्लेटिना वाली फीलिंग आएगी। देखो जो बड़ा है यहाँ पर पीछे का, ये पूरा ही लीवर जो है वो एकदम एंड तक है, यानी आगे पीछे आप कर पाएंगे। और रिफाइन इंजन है, नया इंजन है, रिलायबल है, चलाने में मज़ा आएगा, पावरफुल होने वाला है। कितनी भी आप इसको स्पीड में ड्राइव करें तो आपको किसी भी तरीके का परफॉर्मेंस में लैक नहीं होगा। टॉप स्पीड की ही बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मिलती है 100 तक की टॉप की स्पीड आपकी चली जाएगी। वहीं अगर हम राइडर की बात करते हैं तो राइडर की जो टॉप स्पीड है वो 110 के ऊपर चली जाती है, यानी कि महज 10 किलोमीटर की राइडिंग जो टॉप स्पीड है उसका फ़र्क होने वाला है। प्राइस में कितना फ़र्क आता है, तो देखो जब राइडर की बात होती है तो राइडर की प्राइस जाती है 1,20,000 रुपये, इस वाले मॉडल की हम बता रहे हैं आपको ऑन रोड प्राइस। वहीं अगर फ्रीडम 125 की बात होती तो देखो नई टेक्नोलॉजी है, नया इंजन है, सारी चीज़ें नई है, इसीलिए इसकी भी प्राइस होने वाली है 1,25,000 रुपये ऑन रोड, यानी कि 5,000 रुपये की प्राइस का फ़र्क होने वाला है। और इसमें अगर आप एक मॉडल नीचे जाते हैं तो वो पड़ती है 1,20,000, यानी कि सेम है लगभग प्राइस में दोनों ही गाड़ियों के, 5 से 6,000 रुपये का फ़र्क होने वाला है। और बाकी जो एस्पेक्ट थे, जो फ़र्क थे, वो
हमने आपको बता दिए। तो राइडिंग कनेक्टेड फीचर जो हैं, तो राइडर का जो स्मार्ट एक्स वेरिएंट आता है यानी कि इससे 5000 रुपये ऊपर वाला जो वेरिएंट आता है उसमें आपको स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी यानी कि मोबाइल कनेक्टिविटी वाले टर्न टू टर्न नेविगेशन जैसे फंक्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जो इनकी रोनिन में भी देखने के लिए मिलते हैं और एंटॉर्क में भी देखने के लिए मिलते हैं। वहीं बजाज की इसमें बात करें तो इसमें आपको स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी तो देखने के लिए नहीं मिलती, लेकिन कंपनी ने एक बेसिक कनेक्टिविटी दी है जिसमें आप मोबाइल कनेक्ट करके और आप अपने कॉल एसएमएस अलर्ट देख सकते हैं। टर्न टू टर्न नेविगेशन जैसे फंक्शंस इसमें आपको देखने के लिए खैर नहीं मिलेंगे, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि भैया आपको कौन सी बाइक पसंद है। देखो राइडर भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छी गाड़ी है और रिलायबल है, इंजन परफॉर्मेंस अच्छी है, पेट्रोल गाड़ी है यार, तो देखो पेट्रोल गाड़ी की तो खैर बात ही अलग होती है, लेकिन वहीं सीएनजी बाइक की बात होती है। तो देखो एक इसमें प्लस पॉइंट ये मिलता है कि आप इसको सीएनजी पेट्रोल दोनों से ही चला सकते हैं, तो ये भी अपने आप में एक प्लस पॉइंट है। नया इंजन है, चलाने में आपको अलग मज़ा आएगा, रोड प्रेजेंटेबल लगेगी, रोड प्रेजेंस ज़्यादा होने वाला है। एक चीज़ में राइडर और भी ज़्यादा बाजी में आ जाती है तो वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर जैसे कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है यहाँ पर मिलता है 165 एमएम का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं अगर हम राइडर की बात करते हैं तो राइडर का 10 एमएम का ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाता है यानी कि 175 एमएम का ग्राउंड क्लियरेंस। तो 10 एमएम के ग्राउंड क्लियरेंस में फ़र्क होने वाला है, ऊपर नीचे 1-2 एमएम का हो सकता है, तो वो आप देख सकते हैं। खैर आपका क्या कहना है इस बाइक को लेकर कि आपको पसंद है सीएनजी वाली बाइक या फिर आपको पसंद है टीवीएस की राइडर, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।